हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइबर वर्ल्ड। बेसिक सीखे थे, आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम जानकारी लेते हैं सेल्फ फॉर्मेटिंग के बारे में। ये सेल्फ फॉर्मेटिंग आखिर होती क्या है और इसका क्या मतलब है? एक्सेल के सेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इसमें हम टेक्स्ट और नंबर दोनों चीज़ टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट जैसे मैंने यहाँ टाइप किया है राम, और नंबर मैंने सॉरी मैंने यहाँ टाइप किया है राम और नंबर मैंने टाइप किया है 123। एक्सेल के सेल में एक विशेषता होती है कि ये आपके लिखे हुए या टाइप किए हुए टेक्स्ट को पहचान लेता है कि आपने नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है। आप दोनों चीज़ों में अंतर देख रहे होंगे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा लेफ्ट साइड पर है और नंबर हमारे राइट साइड में है। अब इसके आगे भी इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। टेक्स्ट तो टेक्स्ट है ही, लेकिन नंबर में कई सारी अलग चीज़ें होती हैं। नंबर करेंसी भी हो सकती है, नंबर डेट भी हो सकता है, नंबर टाइम भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सेल में अलग अलग डिफाइन करते हैं और उसी के आधार पर हम फॉर्मूला को यूज़ भी करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये नंबर के लिए एक अलग बॉक्स बना हुआ है। यहाँ पर आप अपने टाइप किए हुए नंबर को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जो टाइप किया है वो आखिर है क्या। आप एक्सेल को कैसे बताएंगे कि ये एक डेट है या ये मैंने यहाँ पे करेंसी टाइप की है या मैंने यहाँ पर टाइम लिखा है। ये सारी चीज़ें एक्सेल को अलग अलग बतानी पड़ती हैं। तो ये है नंबर फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पर देखेंगे जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा जनरल नो स्पेसिफिक फॉर्मेट। तो इस जब आप इसको यूज़ करते हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट एक्सेल में लगा ही रहता है। आप कुछ भी टाइप करेंगे वो उसको ऑटो जनरल फॉर्मेटिंग के हिसाब से ले लेगा। लेकिन जब आप इसको ख़ास तौर पे बताएंगे कि ये करेंसी है तो उसको करेंसी लेगा। आप बताएंगे कि ये डेट है तो ये डेट के तौर पे उसको लेगा। आप बताएंगे कि ये टाइम है तो ये टाइम के तौर पर उसको लेगा। अब यहाँ पर नीचे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है। अगर आप किसी नंबर को ये बता देते हैं कि ये टेक्स्ट है तो एक्सेल उसको टेक्स्ट समझेगा ना कि नंबर। आप देखेंगे मैंने जैसे ही इस सेल को टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो ये लेफ्ट साइड में चला गया। तो एक्सेल को ये बताना पड़ता है कि हम सेल में जो भी वैल्यू टाइप कर रहे हैं आखिर वो है क्या है। तो आप इस मेन्यू का यूज़ करके एक्सेल को ये बता सकते हैं कि आपने सेल में जो भी नंबर टाइप किया है या टेक्स्ट टाइप किया है वो आखिर है क्या है। वो नंबर है, करेंसी है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है या कोई आपने फंक्शन वहाँ पे यूज़ किया है। इसी के बेस्ड पर आगे आने वाले सारे फॉर्मूले काम करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख लेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर्स वगैरह दे रखे हैं। वर्ड में जब आप इन चीज़ों को यूज़ करते थे तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करते थे। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट एक सेल के अंदर हमने टाइप किया है तो क्या हम यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करके ही पूरे के पूरे टेक्स्ट पर कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे राम का कलर रेड करना है तो मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने कलर चूज़ किया। आप देख रहे हैं कि वो रेड हो गया। इसी तरीके से मैंने 123 को बोल्ड करना है तो मैंने यहाँ पर बोल्ड कमांड को यूज़ किया, वो बोल्ड हो गया। या मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैंने फॉन्ट मेन्यू में से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट किया और उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉन्ट साइज़ भी पूरे सेल पर ही अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया होता है, ये है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है कि आपके सेल की सारी विशेषताओं को एक दूसरे सेल में पेस्ट कर देता है कि आपने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है, आपने कौन सा कलर यूज़ किया है, आपने कौन सा साइज़ यूज़ किया है। इसको करके देखते हैं कि बहुत मैजिकल कमांड है। हम यहाँ से हम चाहते हैं कि राम जिस सेल में लिखा हुआ है वो सेल बिल्कुल B4 सेल की तरह, यानी मैंने आपको कल बताया था कि हर सेल का एक अपना नाम होता है। मैं चाहता हूँ कि B3 जो सेल है वो बिल्कुल B4 सेल के जैसा हो जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी कमांड है, फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ कीजिए। आप देखिए अभी मैं यूज़ करता हूँ। मैंने सबसे पहले वो सेल सेलेक्ट करना है जिस सेल की फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है। तो हमने यहाँ पे जो है B4 सेल को सेलेक्ट किया
फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक किया तो आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ ब्लिंक होने लगा है। अब हम और आप देखिए कि आपके कर्सर पर भी एक ब्रश बना हुआ आ रहा है। अब आप सीधे ले जाइए इस ब्रश को अपने B3 सेल पर और क्लिक कर दीजिए, और ये देखिए इसकी जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग है वो B3 सेल पर अप्लाई हो गई है। आप चाहे आपने इसमें बैकग्राउंड भी लिया होता, अभी हमने बैकग्राउंड भी करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे येलो बैकग्राउंड भी ले लिया है। अगर आप बैकग्राउंड के लिए भी फॉर्मेट प्रिंटर यूज़ करेंगे तो वो ज्यों का त्यों वहाँ पे उसको पेस्ट कर देगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेल पर ही अप्लाई करें। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ के ये सारे सेल जो है B4 जैसे हो जाएं, तो मैंने वही कमांड यूज़ करनी है दोबारा से। फॉर्मेट प्रिंटर को यूज़ कीजिए और ये सारे सेलों को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप देखिए ये सारे सेल बिल्कुल B4 जैसे हो गए हैं, और आप यहाँ कुछ भी टाइप करेंगे तो वही फॉन्ट आएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मेट प्रिंटर बहुत काम का टूल होता है। आगे हम जितनी भी टेबल्स वगैरह बनाएंगे और भी चीज़ें बनाएंगे तो ये फॉर्मेट प्रिंटर हमारे बहुत काम आने वाला है। ज़्यादातर लोग क्रिएटिव होते हैं, अपने टेबल को बना के अच्छे तरीके से सजाते हैं और चीज़ें करते हैं, तो ये फॉर्मेट प्रिंटर आपके काफ़ी काम आने वाला है। आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।